Welcome, my dear students. Today we are going to start a new chapter. Okay, in previous lecture we have complete a chapter sense organs. Okay, मैंने आपको sense organ chapter पढ़ाया और उसके question answers आपको PDF के रूप में भेज दिए हैं. Okay, so आज के lecture में हम लोग नया chapter our teeth start करने जा रहे हैं. Okay, so we all human beings, सभी इंसानों के पास में मुंह में दांत है. बिना दांत का कोई दिखा आपको? नो, बिकॉज आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ओके, आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिकॉज वी आर ईटिंग फूड, चेविंग फूड, देन टीथ इज नेसेसरी. आई एम स्पीकिंग, सो फ्यू वर्ड्स आर नेसेसरी फॉर स्पीकिंग. ओके, एंड फॉर आवर शेप ऑफ आवर फेस, हमारे फेस के शेप के लिए भी टीथ जरूरी है. खाना चबाने के लिए टीथ जरूरी है, और बोलने के लिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब हमारी जबान दांतों के साथ टच होती है तो ही कुछ अच्छे शब्द निकल पाते हैं. सो वी कैन से आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी. सो देयर मेन यूज वी कैन से फर्स्ट फॉर शेप ऑफ आवर फेस. हमारे चेहरे के शेप के लिए भी हमारे दांत बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड फॉर बाइटिंग एंड चेविंग ऑफ फूड, खाने को चबाने के लिए और काटने के लिए. जैसे फल खाते हैं, वेन एवर वी आर ईटिंग एप्पल्स, ओके, सो वी जस्ट बाइट इट विद द हेल्प ऑफ टीथ. विदाउट टीथ वी कैन नॉट ईट दैट टाइप ऑफ थिंग्स. सो बाइटिंग एंड चेविंग ऑफ फूड इज सेकेंडरी थिंग. थर्ड फॉर स्पीकिंग वर्ड्स. सो माई डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द मेन थ्री वर्क ऑफ आवर टीथ, शेप ऑफ आवर फेस. विथ यू नो, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके दांत सारे गिर जाते हैं तो उनका चेहरा कैसा हो जाता है, उनका मुंह का शेप बिगड़ जाता है. सो फॉर द शेप ऑफ आवर फेस आवर टीथ इज इंपॉर्टेंट पार्ट. सेकेंड, बाइटिंग एंड चेविंग ऑफ फूड, आवर टीथ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. And third, speaking words. Because without teeth, there are so many words, so we can't speak without touching the teeth. Okay? So these are the main reason of teeth. Everyone have teeth. But when it comes, you know, main thing is a newborn baby. A newborn baby does not have टीथ. जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसके टीथ नहीं होते हैं. ओके, सो एट द अराउंड ऑफ 3-6 to 7 months, व्हेन चाइल्ड इज ऑफ 6 to 7 months, जब 6-7 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसके टीथ ग्रो करने लगते हैं. ओके, सो द नंबर ऑफ दिस टीथ इज 20. ओके, हाउ मेनी? ओनली 20 टीथ. A newborn baby, when it's around 6 to 7 months, age of 6 to 7 months, it have there are growing of some teeth which are 20, and these teeth are not permanent because at the age of 5 or 6, जब वो बच्चे 5 और 6 साल के हो जाते हैं तो ये जो 20 दांत है ये निकल जाते हैं. That's why these are, we can say, it's temporary teeth. Temporary teeth means because these are not permanent. Okay, or we can say it's milk teeth, दूध के दांत होते हैं. Okay, 20 teeth. These teeth are grown at the age of 6 to 7 months of the baby, and at the age of 5 to 6 years, जब बच्चा 5-6 साल का हो जाता है तो उसके परमानेंट टीथ निकल जाते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस इज टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ. ओके, आफ्टर 6 to 7 ईयर, व्हेन दिस टीथ, आफ्टर 5 to 6 ईयर, अ न्यू टीथ ग्रोन अप एट द प्लेस ऑफ दिस टेम्परेरी टीथ. ये टेम्परेरी टीथ तो निकल जाते हैं, इनकी जगह पर नए टीथ आने लग जाते हैं
उनको वो जो है नए टीथ आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, ओके। व्हाई वी कॉल देम परमानेंट टीथ? बिकॉज दिस टीथ आफ्टर 5 to 6 ईयर व्हेन दिस ग्रोज दिस आर परमानेंट टीथ बिकॉज फुल लाइफ टाइम दिस टीथ आर विथ अस, ओके। एंड द नंबर ऑफ दिस परमानेंट टीथ इज 28। हाउ मेनी टीथ? 28 टीथ। 28 दांत परमानेंट निकलते हैं और उसके बाद फिर 20 से 30 की एज में फिर 4 टीथ और नए आते हैं जो पीछे की तरफ आते हैं, वो 20 से 30 साल की उम्र में आते हैं। इनको बोलते हैं विजडम टीथ, विजडम टीथ, ओके। यू नो हमारी बोलचाल की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? बुद्धि की दाढ़ी या अक्कल दाढ़, ओके। बट दिस आर कॉल्ड विजडम टीथ। ये चारों कब आते हैं? 20 to 30 की एज में आते हैं। बट परमानेंट टीथ जब बच्चा 5 से 6 साल का रहता है, सो ये 28 परमानेंट टीथ आते हैं और ये लाइफ टाइम चलते हैं। वंस वी जस्ट लूज दिस टीथ, एक बार हम इन टीथ को खो देते हैं, वंस वी लूज द परमानेंट टीथ वी नेवर ग्रोज अगेन। सो देर आर सम डॉक्टर्स, सो देर आर आर्टिफिशियल टीथ वी यूज एट द प्लेस ऑफ परमानेंट टीथ। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, ओके। सो वी मस्ट केयर दिस परमानेंट टीथ बिकॉज वंस इट वी लूज वंस परमानेंट टीथ इट विल नेवर ग्रोज अगेन, ओके। सो फर्स्ट व्हेन बेबी न्यूबॉर्न बेबी डज नॉट हैव टीथ बट एट द एज ऑफ 6 to 7 मंथ सम टीथ आर ग्रोन अप एंड एट द गम, ओके। एंड दीज आर इन नंबर 20। दीज आर कॉल्ड टेम्पररी और मिल्क टीथ बिकॉज एट द एज ऑफ 5 or 6 दीज ऑल टीथ आर नॉट एट द प्लेस ऑफ देयर माउथ। सो एट द प्लेस ऑफ टेम्पररी टीथ देयर अगेन परमानेंट टीथ ग्रोज अप एट द एज ऑफ 5 to 6 ईयर्स एंड दिस टीथ आर 28 इन नंबर्स, ओके। सो आफ्टर देयर आफ्टर दैट इन एज ऑफ 20 to 30 4 टीथ आर अगेन कम, दिस आर कॉल्ड विजडम टीथ। सो टोटल वी हैव 32 टीथ इन एन एडल्ट पर्सन। एक वयस्क व्यक्ति में 32 टीथ होते हैं, कितने? 32। 28 तो परमानेंट आ जाते हैं, उसके बाद चार और विजडम टीथ आते हैं, टोटल 32 टीथ हो जाते हैं, ओके। सो डियर स्टूडेंट, इफ एनीबडी आस्क अस हाउ मेनी टीथ एन एडल्ट पर्सन हैव, सो एन एडल्ट पर्सन हैव 32 टीथ, ओके। नोट इट डाउन। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, ओके। सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अबाउट टीथ, वी नो वेन अवर टीथ ग्रोज, किस एज में टीथ आते हैं। बट नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, वट इज डिफरेंस बिटवीन टूथ एंड टीथ? इफ वी टॉक अबाउट अ सिंगल टीथ मीन्स अ टूथ, एक दांत की बात करेंगे तो टूथ, और सभी दांतों की बात करेंगे तो टीथ, ओके। सो दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल, ओके। सो स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, वेन वी लुक ओपन आवर माउथ एंड लुक इन टू अ मिरर, जब हम कांच में देखते हैं हमारे दांतों को ऐसे करके देखते हैं, आपने भी देखा होगा कई बार। सो वट वी ऑब्जर्व इन द मिरर, वेन वी ओपन आवर माउथ एंड सी इन द मिरर वट वी ऑब्जर्व इन साइड आवर माउथ, सो वी ऑब्जर्व अवर टीथ, ऑल टीथ आर इन वाइट कलर, ओके। सो हाउ दिस वाइट कलर अपीयर एंड वट इज दैट पिंक कलर और दिस पिंक कलर मसल्स, जस्ट लुक हियर, ओके। टीथ आर हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड बोनी स्ट्रक्चर फिक्स्ड फर्मली इन द अपर एंड लोअर जॉज, ओके। दिस इज अ ह्यूमन फेस, ओके। एंड यू नो दिस इज अपर जॉ एंड दिस इज लोअर जॉ, ओके। आई एम नॉट मेकिंग हियर बट दिस जॉ, आवर माउथ इज मूवेबल, सो लोअर पोर्शन, दिस इज लोअर पोर्शन, दिस इज लोअर जॉ एंड दिस इज अपर पोर्शन, दिस इज अपर जॉ। सो टीथ ऑन दिस जॉ इज अपर जॉ एंड दिस इज ऑन लोअर जॉ, ओके। सो व्हेन वी सी इन द मिरर दिस टीथ आर स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड फिक्स्ड इन
fixed firmly. Okay, our teeth can't move. We can move our fingers, hand. Okay, our ear also can move, but our teeth are strong. Okay, hard, strong, and bony structure fixed firmly. Our teeth can't move. If our teeth is moving, it means there is a something mistake. Okay, हमारे जो दांत हैं बहुत ही ज़्यादा hard होते हैं, strong होते हैं, और ऐसे fixed firmly रहते हैं, बिल्कुल move नहीं करते हैं. So ये जो ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा बोलते हैं, इसको upper jaw and lower jaw, इनमें ये टीथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से फिक्स रहते हैं. अब ये टीथ किस में फिक्स रहते हैं? अवर टीथ ग्रो आउट ऑफ अवर सॉफ्ट पिंक गम. हमारे टीथ कहाँ निकलते हैं, कहाँ पर नए आते हैं? सॉफ्ट पिंक गम. ओके, इफ यू एवर सीन अ स्मॉल न्यू बॉर्न बेबी, आपने बिल्कुल ही छोटे बच्चे को देखा होगा, तो आपने मुंह में उसके देखा एक भी दांत नहीं रहता है, ओनली पिंक गम्स रहते हैं, है ना? पिंक गम्स रहते हैं, मतलब मसूड़े रहते हैं. So these are soft pink gums. इन्हीं में से हमारे teeth grow करते हैं. Okay? So ये जो soft pink gums होते हैं, ये ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं. Okay? So we have this pink gums. Okay? So our teeth grows out from these gums. And these gums can strongly form our teeth into the mouth in upper jaw and lower jaw. Okay? Now if we talk about the structure of a tooth, first, if this is a teeth, okay, look here, this is upper part of teeth and this is the gum, okay, ये pink gum है, ये मसूड़ा है जिसमें ऊपर जो अपनों को एक teeth दिखता है सामने का. So, जो part अपनों को ऊपर दिखता है, जिसको हम देख पाते हैं, this is crown. The part of the teeth which we can see easily, it is crown, and the part which is stuck in the gum, it is root, and the lowest part which we can't see, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे गम में बिल्कुल नीचे नीचे तक रहता है, वो हिस्सा उसका होता है नेक. ओके, इसी स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा और डीप में देखें, इफ वी टॉक अबाउट टीथ स्ट्रक्चर, सो दिस वाइट पार्ट ऑफ द टीथ इज द हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड इनेमल. जो हमारे टीथ का सबसे ऊपर जो वाइट पार्ट दिखता है, ये इनेमल होता है, और ये वाइट कलर में होता है. इनेमल कौन सा कलर में होता है? दिस इज वाइट इन कलर. ओके, एंड ये हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रोंगेस्ट, इनेमल इज द स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल और स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. हमारे पूरे शरीर में अगर सबसे मजबूत कोई चीज है, तो ये जो वाइट सा दिखने वाला दांत के ऊपर इनेमल है. इसके बाद इसके नीचे जो लेयर आती है वो डेंटाइन. दिस इज डेंटाइन. डेंटाइन इज द सेकेंड लेयर फॉर्मिंग इन टू द टीथ एंड दिस मेक्स स्ट्रक्चर ऑफ फुल टीथ. ओके, एन अपर लेयर इज इनेमल विच वी कैन सी इजिली. नाउ डाउन ऑफ द डेंटाइन, डेंटाइन के नीचे जो लेयर होती है ये पल्प होती है. कौन सी होती है? दिस इज पल्प. दिस लेयर इज पल्प एंड दिस इज कनेक्टेड विथ ब्लड वेसल्स. हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स चलती है नीचे, उनसे ये कनेक्टेड रहते हैं पल्प. दिस पल्प इज द सेंटर पार्ट ऑफ अवर टीथ and this pulp has blood vessels and nerves. Okay, so this pulp provide food to our teeth. इस pulp में क्या होता है? Blood vessels होती है, बारीक बारीक नसें होती है, और nerves होती है, neurons होते हैं, जो कि हमारे teeth में ठंडा गर्म का एहसास भी कराते रहते हैं. ये बिल्कुल बीच में होते हैं, इसमें blood vessels भी होते हैं और nerves भी होती है pulp में. और ये gum जो है side में, जो मैंने बनाया नहीं, इसमें teeth stuck रहता है, और ये nerves और blood vessels इस पल्प में होती है. ओके, दिस इज वेरी सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टीथ, दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द टीथ, इट हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इनसाइड इट, इट प्रोवाइड्स फूड टू अवर टीथ. इसी की वजह से हमारे टीथ को जो है कैल्शियम वगैरह खाना मिलता रहता है. ओके, सो टुडे वी लर्न अबाउट हाउ मेनी टीथ वी हैव, व्हेन वी हैव टीथ, व्हेन टीथ ग्रोन अप इन अवर माउथ, टीथ कैसे होते हैं, कब आते हैं, और स्ट्रक्चर टीथ का. ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ये डेंटाइन, ये पल्प. यू मस्ट गो थ्रू योर बुक्स, यू ऑल हैव योर बुक्स, सो प्लीज गो थ्रू योर बुक. यू कैन इजीली रीड ऑल थिंग्स इन लाइन बाय लाइन एंड यू कैन अंडरस्टैंड इजीली बाय दिस पिक्चर. ओके, सो टुडे नाउ सेकेंड लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक्स. ओके, बाय.